भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच में रविशंकर प्रसाद लगातार पिछले 2 महीनों से जनता के बीच में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे में आखिरी दौर में आखिरी दिन चुनाव प्रचार के क्या उम्मीद है रविशंकर जी से जानते हैं। आप तो 2 महीने तक घूमे, जनता के बीच में क्या रिस्पॉन्स आपने देखा? मैं जनता के बीच ऐसे ही रहता हूँ, पूछिए, सब अपने भी खटते हैं, मुझे भी खटाते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, सुबह से घूम रहा हूँ, आज दिन भर कार्यक्रम है। 5 बजे माँ का दर्शन करूंगा, साई मंदिर जाऊंगा, फिर वहीं बैठ के फुटपाथ पे चाय पियेंगे। लेकिन चाय पीने वाले की बात आप कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, इनके बारे में तो आप बात ही नहीं करते हैं। लगता है हमारा भाषण नहीं सुनते हैं। दुनिया में सबसे कम महंगाई भी हिंदुस्तान में, अमेरिका, यूरोप सबकी तुलना में। बाजार में जाइए आप। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, प्रकाश बाबू 2 मॉडल है ना, जमीन दो नौकरी लो, वही मॉडल चलाएंगे क्या? आईटी में नौकरी मिली कि नहीं, सड़कें बनती है नौकरी मिलती है कि नहीं, ईपीएफओ में 5 से 7 करोड़ रजिस्टर हुए हैं पिछले 5-6 साल में, नौकरी मिलती है कि नहीं? वो कहते हैं कि आपने 2 करोड़ हर साल वादा किया था, 10 साल हो गए, आपने कितनी नौकरी? मैं तो 8-9 करोड़ का डाटा को अभी दे रहा हूँ ना। सरकारी नौकरी हमने कहा रोजगार के अवसर। और तेजस्वी बाबू का मॉडल क्या है? काम करें नीतीश बाबू और मर्जा करें डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये कौन सा तर्क है भाई? छोड़िए तेजस्वी बाबू की बात, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना कि नहीं? और इतनी बात ही तो, पिताजी थे 5 साल रेल मंत्री, कितनी नौकरी मिली रेलवे की? बस वही मॉडल, जमीन दो नौकरी लो। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल झूठी बेबुनियाद बात, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा, देश का पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कहता है SC ST OBC का आरक्षण है, रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। लेकिन धर्म के आधार पर मुस्लिम को ओबीसी बनाएंगे तो गलत है। लेकिन ये पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान देखा गया कि प्रधानमंत्री जो है वो या तो मुगल, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुर्गा, मटन, इन सब की ही बातें करते रहे, यहाँ तक कि मुजरा की भी बातें करते रहे। बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, पीएम का बुरा भाषण नहीं सुनते हैं क्या? देखिए, 2 चीज जान लीजिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में क्या समानता है? दोनों ईमानदार हैं, दोनों विकास के प्रति समर्पित हैं और विकास करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी का काम दिखाई पड़ता है कि नहीं? पटना में हाईवे आया कि नहीं? पटना में मेट्रो आया कि नहीं? गंगा पर 2 पुल और बन रहा है कि नहीं? अटल पथ बन के तैयार हुआ कि नहीं? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सहयोग से रेलवे मंत्रालय से मैं भी लड़ा था जमीन छुड़वाने के लिए। एक मॉडल दिखाई पड़ता है, एक मॉडल है कभी मटन कभी मछली, एक वो मॉडल है। और दिन में तो है ये 2 करोड़ देंगे, हमने कहा 10 करोड़ बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आखिरी सवाल, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख नौकरियां देंगे सरकारी, 10 किलो अनाज देंगे और 1 लाख रुपये महिलाओं के खाते में जाएगा, इसका काट क्या है? कर्नाटक में कितना दिया, हिमाचल में कितना दिया? तो राहुल गांधी रोज नए पत्ते खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर दूसरा पत्ता खोलते हैं, तो कोई चिट लिख के दे जाता है। देखो प्रकाश बाबू, ये देश अब जुमलेबाजी से आगे निकल गया है, देश गंभीर राजनीति चाहता है, विकास की राजनीति चाहता है, समझ गए? और लेकिन विपक्ष जो है वो तो आप लोग को जुमलेबाज कहता है कि 15-15 लाख खाते में देंगे, आपने कहा कि जुमला है। ऐसा है, चलिए हमने उन्हीं की बात ले ली, आपने बोला कि 5 करोड़ देंगे 10, उसके बारे में कहा था। नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक हवा है, महिलाओं की, गरीबों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, मिडिल क्लास की, और वो जानते हैं कि देश नरेंद्र मोदी के हाथ सुरक्षित है और विकास होगा। कितनी सीटें आएंगी इसमें? 400 के पार और बिहार में 40 के 40। आपने सुना रविशंकर प्रसाद को सबसे ज्यादा वोट जीने की बात कह रहा है और उनके समर्थक हैं जो साथ में निकल रहे हैं रोड शो करने के लिए, और ये रोड शो होगा पटना के अंदर में ही बहुत सारी जगहों पर। हमारे सहयोगी शैलेश और आर्यन के साथ प्रकाश कुमार, ABP News, पटना।